आइए हम लोग देखें हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे व्हेन पेमेंट इज़ रिसीव फ्रॉम ड्रॉई में हम लोग को क्या करना होता है। व्हेन बिल्स आर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक तब क्या करना है। व्हेन बिल्स आर सेंड फॉर कलेक्शन तब हमें क्या करना है। एंड व्हेन बिल इज़ इंडोर्स्ड टू समवन एल्स इसमें क्या क्या करना होगा। देखो बिल्स रिसीवेबल वाले चैप्टर में क्या होता है, एक के पास एक एक दुकान है, मान लो वो मोबाइल टीवी फ्रिज ये सब बेचता है। उसने बी को टीवी बेचा, ठीक है, पर बी के पास वो सब पैसे नहीं थे। तो बी ने क्या, ए ने क्या किया, ए बी के पास गया कि ठीक है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं इस बिल्स रिसीवेबल में साइन कर दो, ठीक है, और तुमने मान लो 10,000 का टीवी मुझसे लिया है तुम इसमें साइन कर दो और मुझे मान लो ये ए बी को 3 महीने का वक्त देता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 3 मंथ्स के बाद क्या होता है, 3 डेज का ग्रेस पीरियड होता है जो ए बी को देता है। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को ए ने बी को बिल्स रिसीवेबल दिया। बिल्स रिसीवेबल इस बात का सबूत होता है कि बी को एक और अभी पैसे देने बचे हैं, और बिल्स रिसीवेबल में टाइम पीरियड लिखा होता है कि वो कौन सा टाइम पीरियड में उसे पैसे दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 मंथ्स लिखा है, तो 3 मंथ्स कब एंड होंगे, अब 1 जनवरी से काउंट करें तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को 3 मंथ्स खत्म हो जाएंगे, और 3 मंथ्स एंड होने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड कर देते हैं। तो फाइनल ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 4 अप्रैल 2020 जो भी है, ठीक है। अब मान लो ए को बीच में ही पैसों की जरूरत, अच्छा अगर ए बी को बिल्स रिसीवेबल देगा कि बी को पैसे देने हैं तो ए के लिए बिल्स रिसीवेबल एसेट होगा, तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी। अगर ए ने बी को गुड्स बेचे तब एंट्री क्या होगी, बी डेबिटेड टू सेल्स एंट्री होगी कि बी ने बी को गुड्स बेच दिए हैं, अब बी उसके लिए एसेट है और उसने सेल कर दिया, ठीक है। अब ए ने जब बिल्स रिसीवेबल बी को ड्रॉ किए तो बिल्स रिसीवेबल को वो डेबिट कर देगा कि अभी बी उसको फ्यूचर में पैसे देगा, और बी पैसे देगा तो बी को हमने यहाँ डेबिट किया था तो टू हमने टू बी कर दिया। अब जब बी एक्चुअल में उसे पैसे देगा, ठीक है, तो हम मान लो उसने चेक से पैसे दिए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड क्या हो जाएगा, टू बी आर। बी आर हमने यहाँ क्रेडिट डेबिट किया था तो वही बी आर हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बी पैसे नहीं दे पाए तो हमने केस 1 पढ़ लिया कि उसने पैसे दे दिए, बट केस 2 क्या है कि ए को बीच में ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई 3 मंथ्स के, और ए बी के पास जाता है, बी के बी अभी बोल रहा है कि अभी ड्यू डेट तो आई नहीं है, हम पैसे कैसे दें, तो ए कहाँ चला जाएगा, बैंक के पास, ठीक है, बैंक से बोलेगा पैसे देने को। बैंक अपने पास डिस्काउंटिंग चार्जेस रखेगा जो बैंक की क्या होती है, इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल 1% है, ठीक है, मान लो 10% है, फॉर एग्जाम्पल 10% है तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000 रुपीज़। तो बैंक अपने पास 1,000 रुपीज़ रख लेगा और ए को कितना पैसा दे देगा, बैंक ने 10% का डिस्काउंटिंग चार्जेस अपने पास रखा, 1,000 अपने पास रखा और 9,000 ए को दे दिया। इस केस में ए अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, ए को 9,000 रुपये मिल रहे हैं तो ए क्या करेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा कि उससे 9,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, और क्या करेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस उस ए के लिए 1,000 रुपीज़ क्या है, एक्सपेंस है, डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं तो इसलिए वो हम डेबिट कर देंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 1,000। और हम क्रेडिट क्या करेंगे बताओ, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे, क्यों, हमें बी से पैसे लेने चाहिए थे, बी ने हमें बिल्स रिसीवेबल, हमने बी को बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया था, ठीक है, बी से तो हमें पैसे मिले नहीं, पर वही बिल्स रिसीवेबल जब हम बैंक के पास लेकर गए तो बैंक ने उस बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट हमें पैसे दिए हैं 9,000, तो अब हमारे पास कोई बिल्स रिसीवेबल नहीं बचा, इसलिए बिल्स रिसीवेबल को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब अगर बी पैसे देगा तो वो ए को नहीं देगा पैसे, अब वो सीधा बैंक के पास जाएगा पैसे देने, बात समझ आ रही है। अब नेक्स्ट केस है, देखो ये तो हो गया, अभी इतना अगर देखें केस 1 और केस 2 तो ये सब हमने रिकॉर्ड किया है, जो भी मैंने जर्नल एंट्रीज बताई हैं ये सब मैंने एंट्रीज बताई हैं कि ए की बुक में क्या एंट्रीज होंगी। अब साइमल्टेनियसली देखा जाए तो बी की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, बी ने अगर बिल एक्सेप्ट किया है तो बी के लिए वो क्या है, बिल्स पेबल है, और बिल्स पेबल बी के लिए लायबिलिटी है जो कि उसे ए को देना है। बी ने अपनी बुक्स में परचेज करते वक्त क्या एंट्री डाली होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ए डाली होगी, और अगर वो बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो वो ए को उसने जब लायबिलिटी बनाई थी तो अब वो ए को अपनी लायबिलिटी कैंसिल कर रहा है और टू बिल्स पेबल कर रहा है, ठीक है, कि अब उसे बिल्स पेबल में, कि अब उसे बिल्स पे करने हैं, ठीक है, और अब जब वो फाइनली पैसा देगा ए को तो वो क्या कर देगा, बिल्स पेबल को डेबिट कर देगा कि उसकी लायबिलिटी जो उसे बिल्स में पे करना था वो खत्म हो गई है और उसने पैसा दे दिया है, इतना क्लियर। और केस 2 में अगर ए जा रहा है बैंक से बिल्स डिस्काउंट करने
तो बी अपनी बुक्स में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि वो बी का लेना देना नहीं है। ए ने अगर बैंक से बिल्स डिस्काउंट करवाए तो वो ए की प्रॉब्लम है, इसमें बी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम दूसरा केस पढ़ेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। देखो बिल सेंट फॉर कलेक्शन में क्या होता है, मान लो ए क्या करता है, ए बैंक के पास जाएगा और बैंक से बोलेगा मेरे बिहाफ पे बिल्स तुम कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ए क्या करेगा, अपनी बुक्स में एक अकाउंट खोलेगा जिसका नाम होगा बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। एक तरीके से बिल सेंट फॉर कलेक्शन पर्सनल अकाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ए है और बी है, ठीक है। ए के पास बिल्स रिसीवेबल है 10,000 का, ठीक है, जो उसे बी से लेने हैं पैसे, ठीक है। ए क्या करेगा, ए बैंक के पास जाएगा, ठीक है, और बैंक को ये बिल्स रिसीवेबल दे देगा। अच्छा, जब ए ने बिल्स एक्सेप्ट करे होंगे तो ए ने एंट्री अपनी बुक्स में क्या डाली होंगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी, ये डाली होंगी जब ए ने एक्सेप्ट किया होगा। अब जब वो बैंक के पास जाएगा, ठीक है, तो वो उसे एक तरीके से देखा जाए तो अगर वो बैंक के पास जा रहा है उसे बैंक को डेबिट करना चाहिए था क्योंकि डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीवर है। बट और क्या करना चाहिए था, बिल्स रिसीवेबल वो बैंक को दे रहा है ना, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करना चाहिए था। बट इसमें बैंक को हम डेबिट ना करके क्या डेबिट कर रहे हैं, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट एक तरीके का पर्सनल अकाउंट है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है डेबिट द रिसीवर, ठीक है। मतलब तुम्हें ये बात समझ आई कि बैंक को हम डेबिट क्यों करते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, बैंक को डेबिट करने के बजाय बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट किया है। और अब फाइनली जब हमें बैंक, जब बैंक वीक से पैसे कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि अगर हमने बिल्स बैंक को भेज दिए हैं तो अब बैंक बी से कलेक्ट करेगा, बात समझ आ रही है पामी। अब जब बैंक बी से कलेक्ट कर लेगा, बैंक क्या करेगा, पैसे ए को दे देगा, ठीक है। अब जब बैंक ए को फाइनली पैसा देगा तो वो बैंक अकाउंट डेबिट करेगा क्योंकि अब बैंक बढ़ रहा है, अब बैंक बढ़ रहा है। इसमें अगर इसने बैंक को डेबिट कर दिया होता तो इसका मतलब होता कि बैंक यहीं पे डेबिट हो गया है, बट ये अभी क्या कर रहा है, बैंक को एक नाम दे दिया, पर्सनल अकाउंट का एक नाम दे दिया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कि बैंक का ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब ये यहाँ टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देगा और बैंक से फाइनली पैसा मिल गया है हमें, वो डेबिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रवि को हमने बिल दिया होता तो बैंक के बजाय हम यहाँ पे रवि लिखे होते, तब हमें बिल सेंड फॉर कलेक्शन का एक नाम खोलने की जरूरत नहीं होती। यह हमें नाम खोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी है, क्योंकि बैंक खुद में ही एक रियल अकाउंट है, ठीक है। और अगर हमने रियल अकाउंट को यहीं डेबिट कर दिया होता तो उसका मतलब होता कि हमें पैसे मिल गए है ना, बट एक्चुअल में हम इसका एक नया नाम रखना पड़ा एज अ पर्सनल अकाउंट। भी हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एसेट है क्योंकि इसके थ्रू हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, और जब इसकी लाइबिलिटी खत्म हुई तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया और पैसे मिले तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया, बात समझ आ गई, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब एक दूसरा केस है कि मान लो ए ने, एक और केस है कि ए ने वाई को बिल एंडोर्स कर दिया, मतलब ए के पास बिल्स रिसीवेबल था जो उसे बी से लेने थे, और तो उसने क्या जर्नल एंट्री डाली होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ए के लिए एसेट है क्योंकि बी उसे अब इसके बाद इसके थ्रू पैसा देगा। ये तो हो गया कि ए को बी से एक्सेप्टेंस मिली है। अब मान लो ए जाता है वाई से कुछ परचेजेस करने पर ए के पास उस वक्त पैसे नहीं थे और ए को भी वाई को 10,000 रुपये ही देने थे, और क्योंकि ए के पास पैसे नहीं थे तो ए क्या करेगा, यही बिल उठा करके किसको दे देगा, वाई को दे देगा, ठीक है। तो वो क्या जर्नल एंट्री डालेगा, बिल रिसीवेबल, क्योंकि उसने वाई को दे दिए जो कि उसके लिए एसेट था, तो वो उसे क्रेडिट कर देगा, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। और क्योंकि ए ने वाई को बिल दिया है और हम डेबिट द रिसीवर करते हैं है ना, तो हम क्या कर देंगे, वाई को डेबिट कर देंगे एंडोर्स करते वक्त, बात समझ आ रही है। अब बी ए को पैसे नहीं देगा क्योंकि ए ने वाई को एंडोर्स कर चुका है, तो अब बी सीधा 10,000 रुपये किसको देगा, वाई को देगा, ठीक है।